दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले भील लुकअप के बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भील लुकअप फार्मूला यूजेस। तो इस फार्मूला का हम कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम मैं आपको बताऊंगा कैसे भील लुकअप का फार्मूला एक सही ढंग से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डाटा यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसमें आप कोई भी बंदा का उसका डिटेल, जैसे यहाँ सैलरी एड्रेस अगर आप निकालना चाहते हैं, जैसे ये बहुत सा डाटा रहेगा, 500,000 डाटा रहेगा, तो आप उसमें फाइंड नहीं कर पाओगे एक पार्टिकुलर पर्सन का फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप उसका डाटा निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको नेम सैलरी एड्रेस, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट होने के बाद गाइज आपको भील लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर आपको नेम दिख रहा है, तो आप जैसे यहाँ पर हम नेम यहाँ पर लिख रहे हैं और सैलरी में यहाँ पर आपको भील लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल देते हैं, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में यूज करने से पहले इक्वल ही दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पर हम इक्वल दिए, उसके बाद भी एल, तो गाइज यहाँ पर भील लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं और टैब प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद आपको पूरा टेबल जितना भी आपका डाटा होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर से आपको कॉमा देना है, उसके बाद सैलरी यहाँ पर आपको कितने नंबर में, तो 1, 2, आप जितना डाटा सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आप गिनेंगे 1 और 2, यहाँ से आप नहीं गिनेंगे 1, 2, 3, 4, आपका डाटा जितना नंबर से वहीं से काउंट करना है 1 और 2, तो यहाँ पर 2 दे देते हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, गाइस ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो गया। यहाँ पर आप जिसका भी नाम लिखेंगे यहाँ पर आपका उसका प्रोफाइल शो कर देगा। जैसे हम यहाँ पर मोहन नाम लिख रहे हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी इसका और इसका सैलरी।